आज का विषय है भूगोल कक्षा छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं। पाठ है भूमि वर्षा जल प्राकृतिक वनस्पति व संसाधन। संसाधन क्या है? संसाधन पृथ्वी पर वो प्रत्येक चीज संसाधन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। मानव खुद एक संसाधन है। भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन या साधन है। इसका प्रयोग कृषि, पशुचारण, निवास, खनन, यातायात और उद्योगों के विकास के लिए किया जाता है और भी दूसरे कार्यों के लिए हम भूमि का इस्तेमाल करते हैं। मृदा एक साधन के रूप में मृदा एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें पेड़ पौधे उगते हैं जो मनुष्य तथा जीवों के लिए भोजन जुटाते हैं। मनुष्य अपनी मेहनत से बहुत सारे संसाधनों को दूसरे संसाधनों में कच्चे संसाधनों को दूसरे संसाधनों में इस्तेमाल करके भी अपनी पूर्ति करता है। मृदा का निर्माण शैलों में, शैल यानी कि चट्टानों में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से होता है। ये परिवर्तन निरंतर होते हैं, इनकी गति भले ही धीमी है, यानी कि ये परिवर्तन निरंतर होते हैं और धीमी गति से होते हैं और फिर मृदा का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने से, शैलों के टूटने से। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। मृदा का अपरदन क्या होता है? मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन किस प्रकार से होता है? बहता हुआ जल, तेज आंधी व अत्यधिक सिंचाई से अधिक मात्रा में फसलों के चराने से भी मृदा का अपरदन होता है। बहता हुआ जल मिट्टी की ऊपरी परत को काट देता है, तेज आंधी व अत्यधिक सिंचाई मिट्टी की ऊपरी परत को काट देते हैं, अधिक मात्रा में फसलों के चराने से भी मृदा का अपरदन होता है। भारत में पाए जाने वाले मृदा, यानी कि भारत में किस तरह की मृदा पाई जाती है, कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी जो कि जल के साथ बह के आती है, नदियों के जल के साथ बह के आती है। काली, लाल, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय प्रकार की मिट्टियां अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। जल साधन के रूप में यह मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक साधन है। इसका उपयोग हम घरेलू कार्य तथा सिंचाई आदि में करते हैं। इसका उपयोग बिजली बनाने में भी किया जाता है। जल के बिना जीवन अधूरा है। जल संरक्षण। जल एक नवीकरणीय साधन है। नवीकरणीय यानी जल का निर्माण चलता रहता है। जैसे महासागरों से जल गर्म होकर बाद के रूप में ऊपर उठता है और बादलों से वर्षा के रूप में फिर नीचे पृथ्वी पर आता है, फिर पृथ्वी के अंदर जाकर के फिर वापस हम उसे कुओं के द्वारा बाहर निकालते हैं या नलकूपों के द्वारा बाहर निकालते हैं। इस तरह से जल एक चक्कर के रूप में चलता रहता है। जल संरक्षण। फिर जल स्रोतों के सूखने और प्रदूषण के चलते इसकी निरंतर कमी हो रही है, इसलिए हमें जल का प्रयोग सूझबूझ के साथ करना चाहिए। संरक्षण का मतलब है बचाव। जल का बचाव हमें अपनी सूझबूझ से करना चाहिए। वन्य संसाधन। वन अत्यंत उपयोगी साधन है जो हमारी अनेक जरूरतों को पूरा करते हैं। इनके संरक्षण से वन संपदा बढ़ती है। संरक्षण का मतलब है वनों का बचाव। वनों के बचाने से हमारी वन संपदा बढ़ती है तथा मिट्टी का अपरदन कम होता है। ये भूमिगत जल की पूर्ति में भी सहायक हैं। वन बहुत प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। वनों से मिलने वाले अनेक प्रकार के लाभ हैं, जैसे कि वे मृदा के अपरदन को रोकते हैं, भूमिगत जल की पूर्ति में सहायक होते हैं और भी ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो वनों से हमें मिलते हैं।